कैसे आप एमआई वे 13 या 12.5 का बैटरी ड्रेन को फिक्स कर सकते हैं, अगर आपको जानना है वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एमआई वे 13 का या 12.5 का नया अपडेट के बाद आपका बैटरी अगर ज्यादा ड्रेन हो रहा है, कोई भी रेडमी शॉमी या पोको डिवाइस में ये ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं। बस आप वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए। पसंद आया ट्रिक वीडियो लाइक मारिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं, कुछ पूछ भी सकते हैं। नीचे आपको और भी जो है कमेंट में काफी कुछ पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा सिक्योरिटी ऐप में। सिक्योरिटी ऐप में जाइए, आपको ऑप्टिमाइज का ऑप्शन सबसे टॉप में देखने को मिलेगा। पहले आप जाके जो है ऑप्टिमाइज कर दीजिए, ताकि आपका जो बैकग्राउंड में कुछ भी अगर चल रहा होगा बिना मतलब तो क्लीन हो जाएगा। फिर आप जाइए बैटरी एंड परफॉर्मेंस में, फिर मोस्ट प्रोबेबली आप जो है उसको बैलेंस में रखिए, ताकि आपको जो बैटरी भी आपका ज़्यादा मतलब कंज्यूम ना हो और आपको परफॉर्मेंस भी बैलेंस मिल जाए। तो बैलेंस में रखिए, फिर आप ज़्यादातर जो है देखिए कि आप सिक्योरिटी वर्जन को या सिक्योरिटी ऐप को अपडेट करके रखें, ताकि आपको जो है बेटर ऑप्टिमाइजेशन बैटरी में देखने को मिल जाए, क्योंकि यही आपको पूरा बैटरी को हैंडल करता है। उसके बाद आप जाइए सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाइए अपडेटर ऐप में। अपडेटर ऐप में जाके चेक फॉर अपडेट कीजिए, ताकि आपका जो है जो भी लेटेस्ट अपडेट आया होगा उससे आपका बैटरी परफॉर्मेंस फिक्स हो जाता है। बहुत बार तो वो भी कर सकते हैं। फिर आपको जो है सिस्टम ऐप अपडेटर में जाना होगा। सिस्टम ऐप अपडेटर में भी आपको सिमिलर काम करना है कि अपडेट जाके आपको कर लेना है। फिर आप जाइए प्ले स्टोर में, क्योंकि अभी आपका गूगल का ऐप्स भी देखने को मिलता है फ़ोन में, तो वो सब ऐप्स को भी आप जाके अपडेट अवेलेबल में चेक कीजिए। आपको कुछ ना कुछ ऐप में अपडेट देखने को मिलेगा, उसको भी अपडेट कर लीजिए। कोई भी आउटडेटेड ऐप नहीं रहना चाहिए आपका फ़ोन में। और अगर आप वो ऐप यूज़ नहीं कर रहे, बहुत सारा ऐप्स होता है जो कि आप बस ऐसे इंस्टॉल कर लिए बट वो यूज़ नहीं होता, तो उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आपका जो है बैकग्राउंड में डाटा सिंक ना करते रहे या कुछ ना कुछ आपका जो है फ़ोन का बैटरी और मतलब कि डाटा के साथ खेल करते रहे, तो वो चीज़ आप हटा दीजिए। फिर आप जाके डिजिटल वेलबिंग में बेड टाइम अनेबल कर सकते हैं। जैसे आप बेड टाइम अनेबल कीजिएगा या फोकस मोड, तो इससे आपका जो है रात में ग्रे मोड ऑन हो जाएगा, क्योंकि ग्रे स्केल में आपका जो है बैटरी कम कंज्यूम होगा नॉर्मल अगर आप नॉर्मल मोड में रखिएगा। फिर आप जाइएगा अगर एडिशनल सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अगर तब भी बैटरी नहीं फिक्स हो रहा है, तो आप एक बार रीसेट मार लीजिए, तो आपका रीसेट मारने के बाद सब कुछ इरेज हो जाएगा, बट हाँ आपको बैटरी बैकअप बेटर देखने को मिल जाएगा। यानी तो अगर आपका ये भी नहीं काम कर रहा, तो आपको एक बार जाना होगा कोई जो है मतलब फास्ट फूड में रिकवरी में चाहिए, और मतलब रिकवरी से आप जो है वाइप डाटा कर सकते हैं, तो वो भी नहीं हो तो आपको कस्टम रॉम में मूव करना चाहिए, जो कि बेटर ऑप्टिमाइज हो, तो उसमें आपको बैटरी बैकअप मिल सकता है बेटर कर्नल के साथ, कस्टम कर्नल के साथ। और अगर आप बहुत सारा मतलब कि अनयूजेबल ऐप होता है जो कि आप अनइंस्टॉल का ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको हटा दीजिए, जो कि आपका प्री इंस्टॉल आजकल ऐप्स आता है बहुत सारा, डेली हंट ये वो, तो सबको अनइंस्टॉल कर दीजिए। आपका जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस, साथ ही साथ आपका बैटरी कंजम्पशन भी ठीक हो जाए, और एट अ ग्लांस को बंद रखिए, सबसे वर्स्ट ऐप मेरे हिसाब से। तो यही था कि कैसे बैटरी सेव कर सकते हैं एमआई वे 13 या 12.5 में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी पूछना नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ कल कुछ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बैकग्राउंड में आपको जग रहा था सुनाई दे रहा होगा, तो सॉरी उसके लिए, बट हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।